जगन्नाथ मंदिर पर जल्दी ही होने वाला है हमला और छा जाएगा 7 दिन 7 रात का अंधेरा। दोस्तों, आने वाला है एक ऐसा भयानक दिन जब भारत में मचा होगा हाहाकार। जगन्नाथ मंदिर में मिलेंगे कुछ ऐसे संकेत जो सारी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। और आखिर क्या होने वाला है कलयुग के अंत में? क्या सच में दुनिया देखेगी 7 दिन और 7 रातों का अंधेरा? इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटेगी और क्या जगन्नाथ मंदिर पर जल्दी ही होने वाला है हमला? क्या सच में भविष्य मलिका के अनुसार विश्व में 6 बड़ी महामारी आएगी? इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्लीज दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम एक एक करके जानते हैं। जगन्नाथपुरी धाम यह केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि यह पुरी तो एक पवित्र स्थान है जहाँ से जुड़ी हुई है अनेक भविष्यवाणियाँ। अगर आज हम देखें तो दुनिया भर में भविष्यवाणियों का बोलबाला है जिसके द्वारा कलयुग के अंत में होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं का विवरण जानने को मिलता है जो हर किसी को हैरान व परेशान कर देता है। इन भविष्यवाणियों में एक ही भविष्यवाणी ये कहती है कि पूरी दुनिया 7 दिन और 7 रात के अंधेरे को देखेगी जो बड़ा ही खतरनाक होगा। इन भविष्यवाणियों में हमें कलयुग के अंत में होने वाले 4थे महायुद्ध के बारे में जानने को मिलता है जिसे दुनिया 3रे विश्व युद्ध के बारे में जानेगी। उन्हीं में से एक भविष्यवाणी कहती है कि दुनिया के अंत में तोपों से हमला होगा। यही नहीं, एक भविष्यवाणी तो ये भी कहती है कि जगन्नाथ मंदिर में दुश्मन सेना फंस जाएगी और तब भयंकर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन इस दौरान प्रभु जगन्नाथ अपने मंदिर को नहीं बल्कि अपने भक्तों को बचाएंगे और यह सब भविष्यवाणी हम आने वाले समय में पूरी होते देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सत्य बात है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है बल्कि ये वे भविष्यवाणियां हैं जिसे हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, ये वही भविष्य मलिका है जिसे आज से 600 वर्ष पूर्व पंच सखाओं द्वारा लिखा गया था जो वर्तमान समय में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और इसी वजह से सच होती हुई भविष्यवाणियां जिसकी वजह से आज हर कोई इस मलिका में लिखी भविष्यवाणियों के बारे में सच जानना चाहते हैं। वैसे अब तक आपने सुना तो जरूर होगा कि 7 रात और 7 दिन अंधेरा होने वाला है, लेकिन शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि ये घटना एक बार नहीं बल्कि 3 बार होने वाली है ना हैरान कर देने वाली बात। उससे भी ज्यादा हैरानी तो ये है कि ये कैसे होगा। दोस्तों, हम अंधेरे की घटना जो भगवद गीता से जोड़कर इसे देखते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहा है कि अज्ञान ही अंधेरा है। वहीं मलिका में लिखा है कि एक समय ऐसा आने वाला है कि लोग गुरु और ईश्वर को भूल जाएंगे। इन दोनों बातों को अगर हम जोड़कर जानने की कोशिश करें तो इससे पता चलता है कि आने वाले समय में अज्ञानता फैलेगी जहां लोग भ्रष्ट आचरण करेंगे। दुनिया में लोग शाकाहारी भोजन छोड़कर मांसाहारी बन जाएंगे और मदिरा पान का सेवन ज्यादा करेंगे जिससे उनकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट होते चली जाएगी। क्योंकि मांस मदिरा का सेवन करना तामसी भोजन कहलाता है और तामसी भोजन करने से इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है। इसी कारण से इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह धीरे धीरे भगवान को भूलते चला जाता है। वही माँ बाप और गुरु का अपमान भी करता है और ये सब कलयुग के अंत में होगा। यानी अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह अंधेरा अज्ञान ही हो सकता है। हैरानी की बात तो भविष्य मलिका हमें ये बताती है जिसके अनुसार उस अंधेरे का समय अब निकट है। अब इस अंधेरे की घटना के ऊपर आपने कई सारे दावे सुने होंगे और कई सारी वीडियो में यूट्यूब पर देखे होंगे जैसी धरती पर न्यूक्लियर बम फटेगा जिससे 7 दिन 7 रात अंधेरे में डूब जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस अंधेरे की घटना से न्यूक्लियर बम से कोई जोड़ नहीं है। भविष्य मलिका में साफ साफ लिखा है कि ये 7 रात और 7 दिन का अंधेरा जो होने वाला है वो 100% नेचुरल होगा। यानी कि ये घटना इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि प्राकृतिक घटना होगी। लेकिन ये होगा कैसे, हम इसके बारे में जान लेते हैं। प्लीज दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, पंच सखाओं में एक जसवंत दास जी के अनुसार मुस्लिम सेना जगन्नाथ मंदिर में घुस जाएगी। इससे पहले आसमान में एक रहस्यमयी घटना घटेगी जिसमें इंसानों के 3 अधूरे फिगर्स देखने को मिलेंगे।
यही एक बड़ी घटना का संकेत होगा, जिसे देखने के बाद भक्तजन प्रार्थना करेंगे और उसके बाद भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर मुस्लिम सेना का हमला होगा। जैसा कि भविष्यवाणी कहती है कि चाइना के साथ 13 इस्लामिक देश भारत पर एक साथ मिलकर हमला करेंगे, ये कुछ ऐसा ही सीन होगा। ये मुस्लिम सेना 7 दिन तक वहाँ रहेगी, लेकिन यहाँ हनुमान जी महाराज जो वहाँ के रक्षक माने जाते हैं, वो मुस्लिम सेना को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी समय प्रभु जगन्नाथ जी हनुमान जी महाराज को रोक देंगे और कहेंगे कि यह कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है, तुम सिर्फ भक्तों की रक्षा करो। यानी भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर की चिंता किए बिना अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इसके बाद एक बड़ी घटना शहर में होगी, तोपों से पूरा शहर पर बड़ा हमला किया जाएगा। इस दौरान मंदिर काफी हद तक टूट जाएगा, शत्रु सेना कल्प वृक्ष को भी तोड़ देगी और जला भी देगी, लेकिन अगले ही दिन उसमें से पत्ते निकल आएंगे और एक बड़ा चमत्कार होगा जो भगवान अपने भक्तों को दिखाएंगे, ताकि वो समझ सके कि भगवान अपने भक्तों के साथ। दोस्तों, यह वो समय होगा जब पूरे भारत पर अटैक हो रहा होगा, जहां मुस्लिम सेना चारों दिशाओं से आएगी, जिसमें रशिया और चाइना का भी नाम इसमें शामिल होगा, जो समुद्र के तरफ से आएगी। असल में रूस का मकसद भगवान जगन्नाथ को ले जाने का होगा। जिस दौरान रशिया भगवान जगन्नाथ को ट्रेन में बैठा कर ले जा रहा होगा, उस समय एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी होगी जो इस प्रकार से है। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा जब एक आसमानी पिंड हिंद महासागर में गिरेगा, जिसके प्रभाव से जगन्नाथपुरी धाम जलमग्न हो जाएगा। और इस भविष्यवाणी के अनुसार भगवान जगन्नाथ को जब रशिया ले जा रहा होगा, तब हिंद महासागर में आसमानी पिंड गिरेगा, जिससे इतनी भयंकर लहर उठेगी कि जगन्नाथपुरी मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रशिया आखिर भगवान जगन्नाथ को क्यों लेकर जाएगा, तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि रशिया की महाभारत काल से ही एक कहानी है, जिसके अनुसार रशिया को कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करने का मौका मिलेगा। और रशिया को यह अच्छे से मालूम है कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र यही है, इसलिए रशिया भगवान जगन्नाथ को अपने साथ ले जाना चाहेगा। यहाँ पर रशिया का ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। असल में जिस ट्रेन के डब्बे में भगवान जगन्नाथ को ले जा रहे होंगे, तब ट्रेन का डब्बा अचानक से अलग हो जाएगा। तब भगवान के जो भक्त है, वे भगवान जगन्नाथ जी को छतिया बटा ले जाएंगे, जहां पर प्रभु 7 दिन रहेंगे। और यहां रहने की सबसे बड़ी वजह यह है, जो कि आसमानी पिंड जिसके गिरने से समुद्र इतना ऊंचा उठेगा कि भयंकर कंपन होगा, पूरी धरती हिल जाएगी और अनेकों प्रकार के कण कण जैसे धूल मिट्टी वगैरह, ये सब इतना हाहाकार मचाएंगे कि उसे नॉर्मल होने में 7 दिन लग जाएगा। और इस तरह 7 दिन और 7 रात पूरी धरती में अंधेरा छा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस हाहाकार की वजह से प्रभु जगन्नाथ छतिया बट्टा में नहीं रहेंगे, बल्कि संत हरिदास जी को दिए अपने वरदान की वजह से प्रभु जगन्नाथ चैत्य भट्ट में रहेंगे। संत हरिदास को भगवान ने वरदान दिया था, कलयुग के अंत में तुम्हें 7 दिन तक सेवा करने का मौका मिलेगा। इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी 7 दिन तक उनके पास रहेंगे। लेकिन वही जब रशिया को पता चलेगा कि भगवान जगन्नाथ का डब्बा है ही नहीं, तब छतिया बट्टा पर हमला होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु का रूप है या फिर कल्कि कहे, लेकिन कल्कि एक मनुष्य के रूप में होंगे और वे आकाश के रास्ते जाएंगे, जहां वे नेपाल के पास रुकेंगे और वहां वे देवनासन भट्ट के पास जाकर प्रभु जगन्नाथ को रख देंगे। भविष्यवाणी के अनुसार 21 दिन यहां रखने के बाद उन्हें उदय भट्ट ले जाया जाएगा। और इस पूरी घटना के दौरान कुल 3 बार 7 दिन 7 रात इस अंधेरे की घटना पूरी दुनिया में होगी। आगे भविष्यवाणी में हम ये भी जानते हैं कि 3 बार सुनामी आएगी, जिसमें पहली बार तो जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा, दूसरी बार की घटना में समुद्र का पानी रत्न सिंहासन के पास आ जाएगा, और तीसरी बार में पूरा जगन्नाथ मंदिर डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि भगवान अब तक मनुष्य रूप में आ चुके होंगे, उसके बाद क्या होगा ये तो आप सब जानते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर पाप अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तब तब विनाश करने तथा धर्म की स्थापना करने पुनः मैं धरती पर अवतार लूंगा और शांति का युग बसाऊंगा। दोस्तों, आप भगवान पर विश्वास रखकर उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि वही इंसानों का उद्धार करने आएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, साथ ही जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।